स्टूडेंट्स क्लास के 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9 एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 10.1। लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज नंबर 10.1 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक फिगर नज़र आ रही है, उसमें आपने रिमेनिंग एंगल जो आपको अननोन दिए गए हैं वो फाइंड करने हैं। दो एंगल्स आपको बता दिए गए हैं, एक 30 डिग्री का है और दूसरा जो है 60 डिग्री का है, और तीन एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। एंगल 1, 2 और 3 से नेमिंग कर दी है इसकी। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया मैयर एंगल 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये विदाउट सॉल्यूशन एंगल 2 मैंने कैसे फाइंड किया, ये आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। एंगल 2 जो है एंगल 30 के वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल जो है एंगल 2 एंगल 30 के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जितनी मेजरमेंट इसकी है उतनी ही मेजरमेंट इसकी होगी, इसलिए मेजर एंगल 2 भी हमारा 30 डिग्री होगा। और इसके सामने मैंने रीज़न जो है ब्रैकेट में लिख दी है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो एंगल 2 देखें, यहाँ पे 30 डिग्री है। बुक पे आपकी ब्लैंक्स इसी तरह से बनी हुई हैं, जिस तरह आपके एंगल्स फाइंड होते जाएंगे आप लोग जो उसको अपने बुक पे भी मेंशन करेंगे, और बाकी ये सारा प्रोसीजर जो है आप लोग अपने कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे। देन नाउ वी फाइंड मेजर एंगल 3। एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट हमें पता था कि ऑपोजिट है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब हम फाइंड करेंगे मेजर एंगल 3। मेजर एंगल 3 कहाँ पे है, लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब आपको क्योंकि पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो होता है 180 डिग्री, एज सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आप लोग लिखेंगे 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये स्ट्रेट एंगल देखें 180 डिग्री होता है ना। अब इसके ऊपर जो है एक एंगल 30 हमें नोन है, एक 60 डिग्री का नोन है, थर्ड एंगल 3 जो है हमें अननोन है। तो फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल 3 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों के सम को 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि हमें इसमें एक वैल्यू अननोन है, इसलिए हम इन दो की हेल्प से और इस थर्ड वैल्यू की हेल्प से जो है एंगल 3 फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पर जो है 60 और 30 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे 180 डिग्री। मेजर एंगल 3 अननोन वैल्यू मैंने इक्वेशन के इसी साइड पे रहने दी और 90 डिग्री को इक्वेशन के दूसरी साइड ले गई, तो इसका साइन जो है चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया। 180 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 भी हमारा आ गया 90 डिग्री। एंड नाउ वी फाइंड मेजर एंगल 1। टू एंगल्स हमें फाइंड हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब एंगल 1 फाइंड करने लगे हैं। एस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रेट एंगल है, उसके नीचे दो एंगल्स हैं। ये दो एंगल्स आपके कौन से एंगल्स हैं, यस एडजेसेंट एंगल्स भी हैं ये। तो ये टू एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। यहाँ से हमें हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इन दो एंगल में से एंगल 2 हमें नोन है, हमें पता है कि ये 30 डिग्री है, तो एंगल 1 मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। एंगल 2 की जगह उसका एंगल लिख दिया कितने मेजरमेंट का है, 30 डिग्री का है इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री में से जब आप 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री, तो आपका एंगल 1 आ गया 150 डिग्री। तो तीनों एंगल्स आपके जो अननोन थे वो आप अब फाइंड कर चुके हैं। ये सारा प्रोसीजर आप लोग अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे नीट एंड क्लीन, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने रफ रजिस्टर्स पे, रफ कॉपीज पे बार बार कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, आपको 2 इसमें ट्रायंगल्स नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स जो हैं अननोन हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड अननोन्स, तो ये जो अननोन एंगल्स हैं हमने वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट फिगर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें मेजर एंगल ए दे दिया गया है 55 डिग्री। मेजर एंगल सी में आपको देखें नज़र आ रहा होगा 65 डिग्री है, और सी का ये सेकंड एंगल जो है अननोन है। मतलब ये एंगल भी सी का है और ये एंगल भी सी का है। ये सी का एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 65 डिग्री एक्सटर्नल। ये क्योंकि इसके वर्टिकली ऑपोजिट है आपको नज़र आ रहा होगा,
दिस इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो 65 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली एंगल्स के जो मेयरमेंट सेम होती हैं इसलिए एंगल सी का 65 डिग्री इंटरनल जो है वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से जो है 65 डिग्री ही होगा। तो दो एंगल्स हमें मिल गए, एंगल ए हमारा 55 डिग्री, एंगल सी हमारा 65 डिग्री हो गया। अब आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एज सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब ट्राइंगल में आपके थ्री एंगल्स हैं, एंगल ए बी एंड सी, सो मेयर एंगल ए प्लस मेयर एंगल बी प्लस मेयर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमें नोन एंगल्स हैं उसकी मेयरमेंट हम लिख देंगे, एंगल ए की 55 डिग्री, एंगल सी की 65 डिग्री और एंगल बी अननोन होने की वजह से एज इट इज लिखा, और ये 180 हमारी इक्वेशन का पार्ट है। एंगल बी अननोन था इक्वेशन के, मैंने इस साइड पर रहने दिया और इस साइड पर 120 आ गया। ये 120 कहाँ से आया, एंगल 55 डिग्री और 65 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा, और क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी तो आंसर इसका पॉजिटिव आया। जब मैं इक्वेशन की दूसरी साइड लेकर आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया था, जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड वैल्यू लेकर जाते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू जो है नेगेटिव में हो जाती है। तो ये माइनस 120 आ गया, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल बी आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह हमें दो अननोन एंगल्स मिल गए, एंगल सी जो है इंटरनल वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से 65 डिग्री हमें विदाउट सॉल्यूशन मिल गया, और सॉल्व करके हमें एंगल बी 60 डिग्री मिल गया। सेकंड फिगर देखें, उसमें भी आपको थ्री एंगल्स दिए गए हैं, एंगल डी ई एंड एफ। डी पे भी आपको दो एंगल्स नज़र आ रहे होंगे, एक एक्सटर्नल एंगल है 150 डिग्री, इंटरनल एंगल अननोन है। अब ये क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट भी नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल्स की टाइप है, एडजेसेंट एंगल्स हैं इसके, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, इसलिए हम इसको 150 नहीं कह सकते। अगर तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होता तो अंदर का एंगल भी हमें पता चल जाता। एंगल ई हमारे पास 60 है और एंगल एफ भी हमारे पास अननोन है। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ए ई इक्वल्स टू 60 डिग्री जो हमें नोन था, एंगल डी इक्वल्स टू 150 डिग्री जो कि एक्सटर्नल एंगल है। अब क्योंकि डी के ये एडजेसेंट एंगल्स है, एज स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये स्ट्रेट एंगल है और इस पे जो है ये दो एंगल्स हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल एंगल मेयर एंगल डी इंटरनल प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों एंगल के सम को 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो मेयर एंगल डी इंटरनल जो है हमें अननोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको, इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं 150 डिग्री ले आई, पॉजिटिव से ये नेगेटिव में चेंज हो गया, 180 में से माइनस किया 150 को तो 30 डिग्री हमें इंटरनल एंगल मिल गया एंगल डी। अब रह गया हमारा एंगल एफ, एफ के लिए फिर हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे मैंने जो हमें नोन एंगल्स थे उसकी मेयरमेंट जो है यहाँ पे लिख दी मैंने, उनको ऐड किया, ऐड करके इक्वेशन की दूसरी साइड लेकर गई, साइन चेंज हुआ, फिर 180 में से मैंने 90 डिग्री को माइनस कर दिया तो एंगल एफ हमें मेयर एंगल एफ हमें 90 डिग्री मिल गया। तो एंगल डी इंटरनल जो था हमारे पास आ गया 30 डिग्री और एंगल एफ 90 डिग्री आ गया। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका होमवर्क है और वो बिल्कुल उस तरह से सॉल्व होना जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, ये वाला सेम प्रोसीजर आपका उसमें यूज़ होगा, आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं, आपका ये होमवर्क है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.2 पर आते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद एग्जांपल्स। सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे आर सेम इन शेप, कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आप सिमिलर कह सकते हैं कि अगर उनकी शेप सेम है। अब देखें यहाँ पे मैंने दो शेप्स बनाई हैं, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, आपको नज़र आ रहा होगा एक साइज़ में बड़ी है और एक साइज़ में छोटी है, लेकिन शेप दोनों की सेम है तो ये सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहलाएंगी। कॉन्जॉइंट फिगर्स जो है आपका इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है लेकिन आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कॉन्जॉइंट फिगर्स की भी डेफिनेशन लिखवाई है, आप लोग ये भी अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्जॉइंट
इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. इसमें साइन साइज की कंडीशन जो थी नहीं लगाई गई थी, लेकिन कंट्रेंट फिगर्स में जो है साइज मस्ट है कि साइज भी सेम होना चाहिए. अब ये देखें, यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाई हैं, डायरेक्शन चेंज है लेकिन साइज दोनों का सेम है. तो जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ट्रेंट ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये कॉन्ट्रेंट फिगर्स हैं, क्योंकि दोनों का सेम शेप है, दोनों की सेम शेप है और साइज भी सेम है. फिर क्वेश्चन नंबर टू है आपका, आर सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, गिव एग्जांपल्स. कि क्या सिमिलर फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होती हैं? तो उसका आंसर है नो. सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट मे बी डिफरेंट इन साइज. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में तो साइज और शेप दोनों सेम होता है, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं. उसमें शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है. जैसे ये दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही होंगी, दोनों ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइज इनका सेम नहीं है. क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर, प्रूव दिस विद एग्जांपल्स. कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं कि क्या उनको सिमिलर कह सकते हैं? उसका आंसर है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, सो वी कॉल दीज फिगर्स सिमिलर टू. क्योंकि देखने में ये फिगर्स एक जैसी होती हैं, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को जो है सिमिलर फिगर्स भी कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कह सकते. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर जो है, आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर पेयर्स ऑफ फिगर्स. आपकी बुक पे 5 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के और शेप्स दी हुई हैं. आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी सिमिलर है. तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4. आप खुद से फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और बुक पे ही इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और ये जो डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट फिगर की है सारा, ये भी आप अपनी कॉपीज पे सॉल्व करेंगे विद देयर फिगर्स. ये फिगर्स इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आपका बुक पे होगा और आप इसको बुक पे ही आइडेंटिफाई करेंगे. और 10.2 आपकी इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है.